नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम था प्रत्यावर्ती धारा। इसमें दोस्तों हम लोग लेक्चर 7.15 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 7.16 के बारे में। ओके दोस्तों, तो चलिए, अब हमारे सामने इस सेशन में एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है? एक LCR परिपथ जिसमें L बराबर 2 हेनरी है, C बराबर 32 माइक्रोफेरेड है और R बराबर कितना दिया है? 10 ओम दिया है, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति ओमेगा नॉट या फिर ओमेगा आर, क्योंकि मैंने बताया था अनुनादी आवृत्ति को आप ओमेगा नॉट से भी लिख सकते हैं और ओमेगा आर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुनादी आवृत्ति ओमेगा नॉट या ओमेगा आर का मान ज्ञात कीजिए, परिपथ के लिए गुणता गुणांक क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसमें दो चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो अनुनादी आवृत्ति की अगर हम बात करें तो हमें पता है अनुनादी आवृत्ति जो है वो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे 1/√LC, ठीक। बस एल और सी की वैल्यू दी है, कैलकुलेट कर लीजिए। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√ में एल की वैल्यू तो ऑलरेडी एमकेएस में है, लेकिन सी की वैल्यू एमकेएस में नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 32 × 10⁻⁶ भाई, माइक्रो फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप फैक्टर ले सकते हैं इसका, 2 × 2 × 16। 32 को हमने लिख दिया 2 × 16, ठीक है, 10⁻⁶ और ये 1/√ में है, ठीक है। कितना आएगा? 1/√, देखिए अंडर रूट से 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट के अंदर 16 है तो 4 बाहर निकल आएगा और 10⁻⁶ है तो 10⁻³ निकल आएगी, ठीक है। यहां से देखिए ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 10³ ऊपर चली गई और ये अपॉन में हो गया 4 × 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.125 × 10³, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 125, ठीक है, हर्ट्स, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया इसका आंसर, ओमेगा नॉट निकल गया। लेकिन दोस्तों, परिपथ के लिए गुणता गुणांक पूछा गया है, तो देखिए गुणता गुणांक का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। गुणता गुणांक को हम लोग दोस्तों क्यू से लिखते हैं, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा नॉट एल बाई आर, ठीक है, ओमेगा नॉट एल बाई आर होता है, ठीक। चलिए, अभी हमको करना क्या है, हमको सबकी वैल्यू पुट करनी है और सिंपली से सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल चुके हम लोग 125 और L की वैल्यू है 2 और R की वैल्यू है 10। 125 × 250 होगा और 250/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये 25 आ गया। दोस्तों, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ मात्रक नहीं लिखेंगे कुछ तो नंबर कटेंगे, तो मात्रक नहीं है तो हम लोग क्या लिख देंगे, केवल यूनिट्स, ठीक है, 5 यूनिट्स, ठीक। चलिए, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो खत्म हुआ, अब हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 30 माइक्रोफेरेड का एक आवेशित संधारित्र है, ठीक है, उसे 27 मिली हेनरी, स्मॉल एम का मतलब होता है मिली, कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा, मिली का मतलब स्मॉल एम मतलब मिली और मिली हेनरी लिखा है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ और कैपिटल एम लिखा होगा तो मेगा होगा मतलब 10⁻+⁶, अंतर है, बहुत अंतर है, ठीक है। तो 27 मिली हेनरी की प्रेरक कुंडली से जोड़ा गया है, परिपथ में मुक्त दोलनों की आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन LC दोलन पर आधारित है। आपको पता है कि जब भी किसी परिपथ में केवल L और C लगा होता है और उसमें अगर संधारित्र आवेशित है तो जैसे ही आवेशित संधारित्र को आप प्रेरक कुंडली के साथ जोड़ेंगे क्या होगा, वहां पे LC दोलन की घटना शुरू हो जाएगी। LC दोलन क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें जो मुक्त दोलन की आवृत्ति होती है F नॉट का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2π और अंडर रूट में LC, ठीक है, केवल कैलकुलेशन है। आइए करते हैं कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन को आसान भी बनाना है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है, चलिए भाई समझ में आ गया। अंडर रूट L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 27 मिली हेनरी, तो मिली हेनरी को हेनरी बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और C की वैल्यू कितनी है, 30 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड को फेरेड बदलने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अभी देखते हैं कि क्या क्या बचा हुआ है इसमें, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, अभी देखिए इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 9 × 3, ठीक है, और यहां से एक पावर निकाल के इसको दे देंगे तो पावर हो जाएगी -5 और -3 मिलके हो जाएगा 10⁻⁸, ठीक है, और एक
यहाँ पे 30 को लिखा था मैंने 3 इंटू 10 और 10 इसको दे दिया, 3 बचा है ना, वो 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी अंडर रूट से आसानी से बाहर निकल आएगा, 3 3 का पेयर बन गया। ठीक है, कितना बने, 6.28 तो पहले से ही था और 3 और 3 का पेयर बन गया तो 3 निकल आया, अंडर रूट में 9 है तो वो भी 3 बन के निकल आएगा और 10^-8 है तो 10^4 बन के निकल आएगा। ठीक है, -4। चलिए अब ये तो एफ नॉट की वैल्यू निकली है दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें इसको और जहां तक सॉल्व हो सके करना है। 10^-4 को ऊपर भेजेंगे तो 10^+4 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन में देखिए 3 3 9, ठीक है ये हो गया 9 × 6.28 एफ नॉट इज इक्वल टू, ठीक है 176.92 हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, आप सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, अब हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके दोस्तों चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं यदि 30 माइक्रोफेरेड धारिता वाले किसी संधारित्र पर 6 मिली कूलाम का आवेश है, संधारित्र की धारिता दी है और उस पर उपस्थित आवेश दिया है। ठीक है, तो संधारित्र को क्या किया गया है, देखिए 27 मिली हेनरी से जोड़ा गया है, 27 मिली हेनरी का एक प्रेरक कुंडली होगी। ठीक है, 27 मिली हेनरी वाले प्रेरक कुंडली से उसे जोड़ा गया है। प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित है, प्रारंभ का मतलब यह है कि जब संधारित्र पर आवेश है, अभी संधारित्र को प्रेरक कुंडली से नहीं जोड़ा गया है, जब संधारित्र स्वतंत्र है मतलब उसको प्रेरक कुंडली से नहीं जोड़ा गया है तो पूछ रहा है, प्रारंभ का मतलब यह है कि जब संधारित्र को प्रेरक कुंडली से नहीं जोड़ा है तब परिपथ में कितनी ऊर्जा होगी। ठीक है, और बाद में कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों हमें पता है कि अगर संधारित्र की धारिता दी हो और संधारित्र पर आवेश दिया हो तो संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा UE इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। दोस्तों फॉर्मूले इसके 3 होते हैं, हमें पता है आप भी जानते होंगे कि संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो कितना होता है, या किसी भी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 1/2 CV² इज इक्वल टू 1/2 Q² / C। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है 1/2 Q। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां हमें संधारित्र की धारिता दी है, आवेश दिया है, यानी Q और C का मान दिया है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला चुना है और इसको नहीं लिया। ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला चुना है क्योंकि Q आवेश और C दिया हुआ है, Q और C। ठीक है, चलिए भाई रख दीजिए इसको, और करना क्या होगा, 1/2 Q की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रो कूलाम। ठीक है, 6 × 10^-6 मिली कूलाम है, 10^-3 मिली का मतलब 10^-3। ठीक है, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा देंगे और सी कितना है, ये धारिता दी है। ठीक है, धारिता मतलब कि 30 माइक्रोफेरेड 10^-6। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/2 × इसको सॉल्व करिए, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 × 10^-6 डिवाइडेड बाय ये हो गया 30 × 10^-6। ठीक है, 10^-6 से कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, ये हो जाएगा, इसको हम 6 से काट सकते हैं। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 5 × 10। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 0.6। तो UE इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों, 0.6 जूल। ठीक है, प्रारंभ में इतनी ऊर्जा रहेगी, परिपथ में प्रारंभ में इतनी ऊर्जा रहेगी। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में क्या है, परिपथ में केवल संधारित्र है, प्रेरक कुंडली नहीं जोड़ा गया है, तो परिपथ में केवल एक ही घटक है, वो है संधारित्र, तो परिपथ की कुल ऊर्जा उतनी ही होगी जितनी ऊर्जा अकेले संधारित्र के पास है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आवेशित संधारित्र को आप प्रेरक कुंडली से जोड़ेंगे तो होगा क्या, आवेशित संधारित्र को प्रेरक कुंडली से जोड़ने पर क्या होगा, संधारित्र में से थोड़ा सा आवेश निकलकर प्रेरक कुंडली में जाएगा और प्रेरक कुंडली में धारा प्रवाहित होगी और प्रेरक कुंडली अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी और बाकी सारी घटनाएं होंगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि जब आवेश संधारित्र से निकलकर प्रेरक कुंडली में जाएगा तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान कम होगा, लेकिन दोस्तों संधारित्र की ऊर्जा के मान में जितनी कमी आएगी उतनी ऊर्जा प्रेरक कुंडली में संचित हो गई होगी। तो अभी भी हम अगर परिपथ की कुल ऊर्जा निकालना चाहेंगे तो कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे, परिपथ की कुल ऊर्जा इज इक्वल टू संधारित्र की ऊर्जा प्लस
प्रेरक कुंडली की ऊर्जा, और संधारित्र में से जितनी ऊर्जा कम हुई है उतनी ऊर्जा वहां पे प्रेरक कुंडली में संचित हो गई है, मतलब कुल ऊर्जा का मान अभी भी क्या होगा, उतना ही होगा जितना पहले था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है, यानी कि इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि परिपथ में संधारित्र को प्रेरक कुंडली के साथ जोड़ने पर भी परिपथ में संचित कुल ऊर्जा का मान 0.6 जूल ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक श्रेणी LCR परिपथ जिसमें R बराबर 20 ओम है, L बराबर 1.5 हेनरी है और C बराबर 35 माइक्रोफेरेड है। एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट AC आपूर्ति से जुड़े हैं। ठीक भाई, देखिए यहां पे आपूर्ति का जो मान है, मतलब जो सप्लाई के लिए वोल्टेज का मान दिया है 220 वोल्ट, देखिए 200 वोल्ट, 200 के पीछे वोल्ट्स लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बिना कुछ बोले, पहली बात तो वोल्ट्स लिखा है तो मतलब विभव का मान दिया है, धारा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि धारा होती तो मात्रक एम्पियर होता, मात्रक वोल्ट से मतलब विभव के बारे में बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया था जब भी बिना कुछ बोले मान देगा, समझ लीजिएगा वो RMS मान दिया है, यानी ये आपको VRMS दिया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तब होता है अनुनाद, यानी यहाँ पे अनुनाद की घटना हो रही है। देखिए डायरेक्ट ना बोला गया आपको बल्कि घुमा फिरा के बोला जा रहा है ताकि आपको अगर डीप नॉलेज ना हो तो आपका यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाए। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होगी तो अनुनाद होगा, अनुनाद मतलब XL बराबर XC होगा, Z बराबर R हो जाएगा और Z का मान न्यूनतम होगा, I का मान अधिकतम होगा। ठीक है, तो पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति का मान क्या होगा? दोस्तों हमें पता है कि परिपथ में एक संपूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति क्षय का मान कितना होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। ठीक है, चलिए भाई अब P बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS इंटू R अपॉन में Z। दोस्तों अब यहां पे हमको करना क्या है, हमको बात करनी है अनुनाद की स्थिति में। ठीक है, तो दोस्तों अनुनाद के लिए क्या होता है, देखिए अनुनाद के लिए XL बराबर होता है किसके, XC के, और जब XL XC बराबर होगा तो होता क्या है, Z इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू R की जगह पे R, Z की जगह पे भी R, क्योंकि अनुनाद जब होगा तो क्या होगा, XL बराबर XC होगा, Z बराबर R हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। P बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, VRMS टू IRMS। ठीक है, अब दोस्तों हमें प्रॉब्लम यहां पे ये आएगी कि देखिए अब IRMS का मान नहीं पता है, लेकिन दोस्तों हमें पता है I बराबर कितना होता है, V अपॉन Z होता है। ठीक है, यहां पे LCR परिपथ है इसलिए प्रतिरोध नहीं चलेगा, ना XL चलेगा ना XC चलेगा। ठीक है, I बराबर V अपॉन Z होता है। अगर हमें I0 निकालना होता है तो I0 बराबर यहां भी V0 कर देंगे, अपॉन Z हो जाएगा। IRMS निकालना है तो IRMS बराबर VRMS अपॉन में Z हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे घटना हो रही है अनुनाद की, अनुनाद के लिए क्या होता है, अनुनाद के लिए V अपॉन R हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अनुनाद हो रहा है तो Z की जगह पे हम R रख देंगे, तो फाइनली कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा VRMS इंटू, इसकी जगह पे IRMS की जगह भी क्या रखेंगे, VRMS इंटू में R। ठीक, ये तो हो गया P बार का मान। ठीक है, यहां हम लोग साइड में लिख सकते हैं कि भाई IRMS बराबर कितना होता है, VRMS अपॉन में Z होता है, और यहां पे Z का मान किसके बराबर है, R के बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अभी कितना है, ये हो गया P बार इज इक्वल टू ये हो गया VRMS का स्क्वायर अपॉन में R। बात समझ में आ गई, चलिए अब क्या करेंगे, वैल्यूज रखिए इसकी, VRMS की वैल्यू है 200, तो यहाँ पे हो गया 200 स्क्वायर है इसलिए मैं दो बार लिख दे रहा हूँ, अपॉन में R कितना है दोस्तों 20 है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2000। ठीक है, P बार इज इक्वल टू 2000 और मात्रक क्या होगा इसका, वाट। ठीक है भाई, शक्ति है तो मात्रक क्या होगा, वाट। चलिए भाई, तो इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त होता है इस, और ये सेशन एंड होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।